हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। दोस्तों, आप सभी के सवाल के कमेंट के हिसाब से मैं इस वीडियो को बनाया हूं। आप सभी बहुत सारे दिव्यांग साथियों को कहना है कि क्या हम यूडी आईडी कार्ड के माध्यम से देश भर में रेलवे का कंसेशन ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं, रेलवे किराए में हमें लाभ मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि अगर आपके पास यूडी आईडी कार्ड है तो आप अपने राज्य सरकार के जो गवर्नमेंट बसेस हैं उसमें आप फ्री यात्रा कर सकते हैं, सिर्फ अपने राज्य सरकार में। और आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक मंथ के लिए पास बनवाना रहता है। अगर आप जब पास बनवा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बात है रेलवे यात्रा की, तो जहाँ तक बात करते हैं कि उसमें एक स्पेशली कंसेशन सर्टिफिकेट लगता है जो सिविल सर्जन वेरीफाई करता है, और उसमें उसी की कंसेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको अपने रेलवे डिविजनल ऑफिस से बनवाना रहता है जो मान्य होता है। बहुत लोग ऐसे भी हमें कमेंट कर रहे हैं कि यूडीआईडी कार्ड से हम जनरल डब्बे में अगर 2-3 बार जाना हो तो क्या जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं जा सकते हैं। अभी यूडीआईडी कार्ड को तो बहुत सारे राज्य में मान्यता में नहीं दिया गया है कि वहाँ पर बने। जब तक ये बनेगा तब तक साला ये लोग क्या करेगा नहीं मालूम चल रहा अभी तक। गवर्नमेंट की क्या नीति है समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पे बनने के परमिशन नहीं है और कहीं पे लागू भी नहीं हुआ है, समझ में नहीं आता है होगा क्या। इसलिए आप ये गलती मत कीजिएगा कि यूडी आईडी कार्ड से सफ़र कीजिएगा और फंस जाएंगे तो आपको 1 का 3 देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो के जानकारी के माध्यम से आप यूडी आईडी कार्ड से रेलवे में छूट नहीं ले सकते हैं। अगर आप सच में रेलवे में लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो लोग पैर से दिव्यांग हैं वो उनको मिल सकता है। चाहे उनका परसेंटेज 40% हो या फिर 100%, उनको 100% लाभ मिलेगा। और जिनको कम दिखाई देता है या फिर जिनको कम सुनाई देता है उनको 100% चाहिए डिसेबिलिटी, तब उनको रेलवे डिविजनल से रेलवे सर्टिफिकेट पास किया जाता है, आईडी कार्ड पास किया जाता है। तो बस जानकारी इतना ही था। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।